भगवान जी, आज तक हमने आपसे जो मांगा आपने हमको दिया, सिवाय एक चीज़ जो आपने बिना मांगे हमें दे दी, वो अवनीश जैसा दोस्त। भगवान जी, हम जो भी करने जाते हैं वो उसमें आगे टांग अड़ा देता है। हमको पता नहीं चला भगवान हम कैसे ज़िंदगी जिए, उसके आगे से परेशान कर रखा भगवान जी उसने। जे देखिए भगवान, जहाँ जाए वहाँ दिक्कतें कर रहा हूँ। अब बस हम आपसे एक ही दुआ मांगते हैं भगवान, हमें उस आत्मा से दूर रखें। अब कौन सी नई बला भेज दी भगवान आप? तो ये है जादू, एक भोले भाले शरीफ इंसान, पर एक इंसान है जिन्होंने इनकी जिंदगी में जहर घोल के रख दिया है, और वो इंसान है, अरे हाँ यार, वो इंसान मैं ही हूँ। तो आप ज्यादा डीप मत जाइए, स्टोरी का आनंद उठाइए। और भाई जादू, क्या हाल चाल है, कैसा है मेरी जान? अब तक तो हाल ठीक था, अब बेहाल हो जाएगा। घर तो बड़ा मस्त बनवा लिए हो तुम, और बताओ हमको मिस विस किए कि नहीं? मिस तो इतना किया भैया जी, बता नहीं सकते, रोज भगवान से आपके बारे में पूछते थे। हमको पता है तुम उनसे बहुत प्यार करते हो भैया जी, लेकिन आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम ना एक मिशन इम्पॉसिबल को ना पॉसिबल करने जा रहे हैं। कैसा मिशन इम्पॉसिबल भैया जी? हम बताते हैं, आओ। बेटा तुम्हारे लिए काम है। भैया जी देखो, जे ना होगा, हमसे चार साल की दोस्ती बहुत कर लिया आपके लिए, अब ना करेंगे भैया जी कुछ भी, अब ना होगा। तुम्हारा काम नहीं करोगे? जे तो कति ना होगा भैया जी, अब ना होगा। देखो देखिए भैया जी, ये सरासर गुंडागर्दी है भैया जी, जे ना होगा ऐसे ना भैया जी, जे ना काम का है भैया जी। एक काम करो बेटा, क्रोम, फायरफॉक्स, फेसबुक, याहू, इंस्टाग्राम, जो तुम्हारे इस डब्बे में पड़ा है ना, खोल के ढूंढना शुरू कर दो, किसी का पता लगाना है। किसकी तलाश है भैया जी? एक लड़की है। लड़की है? अबे ऐसे एक्सप्रेशन कहाँ है दे रहे हो बे, हम 377 के सेक्शन के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत है क्या भैया? तुम ना बुकरादी कम बतिया और इंटरेस्ट कम लो और काम करो। भैया जी लेकिन आपको मिली कहाँ पे? आज सुबह की बात है, फ्लैशबैक में चलो दिखाते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ भाई। भाई आपको ये एड्रेस पता है? ना भाई ये तो नहीं पता। तो खड़ा होकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, निकलें यहाँ से। कितनी प्यारी है भगवान, लगता है हमको फिर से प्रेम हो गया। हाँ भैया, मैंने कैब बुक की थी, आप लोकेशन पे आ जाओ। क्यों बे नॉटी बॉय, चोरी करके भाग रहे हो? अरे मन तो कर रहा है तुमको यही मारे, बट तुम्हारी वजह से ना लड़की के सामने इंप्रेशन बनने वाला है। एक काम करो, सीधा पर्स दो और कट लो बेटा, पर्स दे। भगा दिए। ये आपका पर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग मी, आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। साला मैं तो लिमिटेड एडिशन। व्हाट? अब आई मीन प्लेजर इज ऑल माइन। एक्चुअली ना मेरी कैब आ गई है, मुझे जाना है, सी यू समथिंग। बाय। तो ये आज सुबह की कहानी। तो भैया जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, इन सब पे नहीं मिले क्यों? उसे हैपन ऐप पे ढूंढिए भैया जी। हैपन ऐप पे? फोन का आपको फोन दिखाइए। फोन जे देखिए भैया जी, जे हैपन ऐप, इस पे ना आप किसी भी लड़की को ढूंढ सकते हैं, उसे अप्रोच कर सकते हैं और उसे ढेर सारी बातें भी कर सकते हैं। तो वो लड़की इस पे मिल जाएगी? हाँ जी भैया जी, मिल जाएंगे। अबे यही तो है वो लड़की। देखिए भैया जी, यहाँ से आप उनको मैसेज भी भेज सकते हैं। जी गया मैसेज भैया जी, अब आपका काम बन जाएगा भैया जी।
कमाल आदमी हो बे तुम, उसका मैसेज आया। अरे बाजा फाड़ दिए बबुआ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। कबे इतनी वीरान जगह पे कहाँ लेके आओ हमको? भैया जी देखो, आपने हैपन पे लड़की तो पटा ली, लेकिन अब आपको दो महत्वपूर्ण बातें जाननी बहुत जरूरी है। कैसी दो महत्वपूर्ण बातें? आओ बताते हैं। अभी और अंदर? हाँ भैया आ जाओ, बताते हैं। अबे ऐसी कौन सी बात है? वो बहुत ही जरूरी बात है भैया जी, आ जाओ। इसको शॉपिंग कराने तो ले आए यहाँ पे, पर हमको साला पता ही नहीं है कि यहाँ के कपड़े कितने के होते हैं। जरा दाम तो देखें, 4,000। साला इस महीने की तो सैलरी भी नहीं आई है। मिलीमीटर बोलते बोलते किलोमीटर ले आया हमको। अब तो बता दो भैया कौन सी दो महत्वपूर्ण बात है। देखो देखो भैया जी, पहली बात है, अगर आपको कहीं शॉपिंग करने ले जाती है ना और आपका मोटा खर्चा करवाती है, तो समझ लीजिए भैया जी उसको आपसे प्यार नहीं, आपके पैसे से प्यार है। हमारी अम्मा भी यही बोलती भैया जी। नहीं नहीं नहीं, ये वैसी लड़की नहीं है, ये हमसे प्यार करती है, हमारे पैसों से थोड़ी प्यार करती है। क्या वो कोई कपड़ा वपड़ा पसंद नहीं है? अगर लेना तो कुछ ले लो। नहीं यार, कपड़े बड़े महंगे हैं, इतने में तुम्हें सरोजनी में 3-4 ड्रेसेस ले लेती हूँ, चलो कहीं और चलो। हाय, मतलब ये हम ही से प्यार करती है, इसने हमारी पहली बाधा पार करवा दी। Hi Advay. Hi Shivani. How's you doing? I'm good. Okay, meet Avnish. Hi Avnish. Hi. और अबे अगर मान लो कि तुम्हारी वो पहली महत्वपूर्ण वो बाधा जो भी है, अगर उसको हम पार कर जाते हैं, तो अबे दूसरी कौन सी है? दूसरी बात ये है भैया जी कि अगर वो कभी भी ना अपने दोस्तों से आपको जे कह के मिलवाती है ना कि जे हमारे मित्र हैं, तो समझ ले क्या कि तेरा पागल बना रही है। हमारा मतलब भैया जी आपको फ्रेंड जोन कर रही है। हमको फ्रेंड जोन कर रही है भैया जी? ऐसा नहीं होने देंगे यार, बड़ा प्यार करते हैं उससे। अच्छा तो ये तुम्हारा नया फ्रेंड है? ये दोस्त नहीं, he is my boyfriend। हाय, इसने हमको बॉयफ्रेंड बोला, इसका मतलब यही हमारी ड्रीम गर्ल है। भगवान आपने हमें ये प्रूव कर दिया, लव यू भगवान। और जो हमारा बचा कुचा संदेह था वो आपने हमारे बर्थडे के दिन क्लियर कर दिया। हैप्पी बर्थडे अवनीश। थैंक यू सो मच यार। यार एक्चुअली शिवानी मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था तुम्हें अपने बर्थडे की ट्रीट देने के लिए। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ, जरूरी थोड़ी ना कि हर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से ट्रीट ले, कुछ गर्लफ्रेंड सरप्राइजेस भी देती हैं। यार ये कितनी क्यूट है, मेरा कितना ख्याल रखती है, शुक्रिया भगवान। अब तो हमें पता चल चुका है कि यही हमारी ड्रीम गर्ल है, पर साला यहाँ थोड़ी रोमांस करेंगे। लोकेशन चेंज। लोकेशन चेंज हो गया भैया, पर साला म्यूजिक तो आ ही नहीं रहा, बिना म्यूजिक का कैसा रोमांस? म्यूजिक, अब करेंगे हम रोमांस। किसी शायर की गजल ढिंगल, किसी झील का कंवल ढिंगल, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी। अवनीश, अवनीश उठो, अवनीश उठो। मैं सपना देख रहा था। तुमसे मैंने पीपीटी मांगी थी और तुम ऑफिस में आके सो रहे हो, ऊपर से सपने भी देख रहे हो। मतलब वो लड़की सपने में थी? एक तो सो रहे हो, ऊपर से अश्लील ख्वाब भी देख रहे हो। पांच मिनट में मेरे ऑफिस में पीपीटी आनी चाहिए, नहीं तो तेरी सैलरी क्या, तेरी नौकरी भी खा जाऊंगा। जी सर, 5 मिनट में पीपीटी आ जाएगी सर। जी सर। आह,
तो यार मेरी ड्रीम गर्ल को तो आप सबने देख ही लिया होगा। अब यार आपकी ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय कैसा होना चाहिए प्लीज जाओ तुरंत जाके कमेंट में बताओ। और यार मैं भी सोना होना छोड़ के ना हैप्पन ऐप डाउनलोड करने जा रहा हूँ। और यार आप भी जाओ जाकर हैप्पन ऐप डाउनलोड करो, क्या पता आपका ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय आपको वहीं पर मिल जाए। और यार सुनो जाते जाते ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम भी चलते हैं उस खड़ूस की PPT बनाने। लव यू।